प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो इस टॉपिक का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा भाई। समझे भैया कैसे होगा? हमसे कह रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी? ये हाइट दे रखी है 19.6 मीटर की। क्वेश्चन मैंने जितना पढ़ा उतना बना दिया, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप भी ऐसे ही किया करें। हमसे कह रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, और वो इस तरीके से आकर नीचे गिरेगी। तो आपने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, किस वेलोसिटी से किया है अभी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली आपने प्रोजेक्ट किया, लेट अस सपोज कि ये वेलोसिटी जो है वो यू है, ठीक है। अब ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है। शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, यू से आपने किया है हॉरिजॉन्टली। लेकिन एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, शुरुआत में जब आप वेलोसिटी देते हो तो फिर आप ये देखते हो कि ये इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में। तो जब शुरुआत में आप वेलोसिटी देते हो तो उस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी तो होती नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट होता नहीं है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता तो ये या तो नीचे या फिर ऊपर को भी जाती, लेकिन नहीं, हॉरिजॉन्टली में फेंकी गई है तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो होती है सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। यहाँ से एक बात और जाननी है आपको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है ये चेंज हो जाती है क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लगता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बस एक बार वेलोसिटी दे दी वो दे दी। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यू जो है ये यू एक्स के बराबर है, ठीक है भाई। अब ये हमें नहीं पता कितनी है, हमसे ये पूछेगा कि ये कितनी है बताओ, ठीक है बता देंगे। आपसे कह रहा है आफ्टर हाउ लॉन्ग डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो जब भी हाउ लॉन्ग पूछता है तो ये टाइम पूछ रहा है आपसे। आफ्टर हाउ लॉन्ग डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कितने समय में ये ज़मीन पर आकर यहाँ बूम हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी, तो ये आपको टाइम बताना। तो टाइम कैसे बताओगे, आप ये देखोगे कि ये बॉल जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर रही है। तो 19.6 मीटर की हाइट को ट्रैवल करके ज़मीन पर जाकर टकराएगी, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है तो आप लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आप कहोगे सिंस वी नो दैट, ये फिर लिखो पहले फोर वर्टिकल मोशन, आप लिख दो फोर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए h इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h आपको बताना 19.6 नहीं बताना, दे रखा यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में है ही नहीं, जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, हाफ ऐसे रहेगा। g की वैल्यू आपको कितना यूज़ करना है, 9.8 यूज़ करना, और ये टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है। 9.8 से 19.6 दो बार चला जाएगा, डिवाइड वाला 2 भी मल्टीप्लाई करके 4 दे जाएगा, ये बचेगा टी स्क्वायर। तो मतलब टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। तो आपसे ये पूछा गया था कितने टाइम बाद ज़मीन पर जाकर टकरा जाएगी, तो 2 सेकेंड लगेंगे ज़मीन पर जाकर गिरने में इस बॉल को, अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको फेंकोगे तो, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे क्या कह रखा है आपसे, जो कह रखा है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बात कह रखी है, घुमाने की नहीं, आपको देखना चाह रहा है कि आपसे भी कुछ आता है या नहीं। देखो कह रखा, इफ़ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जहाँ ये ज़मीन पर टकराती है, वो पॉइंट आपस में 45 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं, इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से है। तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 45 डिग्री का बन रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, जो वर्टिकल हाइट होती है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर हो जाती है 45 डिग्री के एंगल में। आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो, तो मैं कहूँगा आपने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, तो टेन 45 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको चाहिए, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 19.6 अपॉन एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। तो ये वाली बात आप यहाँ से भी समझ सकते हो, और ये वाली बात ध्यान रखना, अगर किसी भी टावर का एंगल 45 डिग्री है, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से वो टावर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो टावर की हाइट है वो टावर से आपके पास तक के डिस्टेंस के बराबर होगी। तो हाइट डिस्टेंस के बराबर हो जाती है, इट मीन्स ये इसके बराबर हो जाती है, तो ये भी 19.6 मीटर आ जाएगा। अब देखो आपको पता है कि ये जो बॉल है वो 19.6 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है,
और ये भी देखना है कि यार यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम भी आपको दे रखा है 2 सेकंड का, मतलब पहुँचने में तो यहाँ से यहाँ तक लगा, लेकिन टाइम तो यही देखा जाएगा ना कि बॉल यहाँ थी और यहाँ पहुँची, इस प्लेन में पहुँची। तो टाइम कितना लगा बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, दे रखा आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने 2 सेकंड का। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी 19.6 मीटर की। तो क्या आप स्पीड नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो कहोगे। स्पीड कितनी थी ये तो आपको पूछ रहा है, स्पीड आपको बता देनी है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 19.6 मीटर का, टाइम कितना लगा 2 सेकंड। 19.6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी इस प्रोजेक्टाइल की, हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो होप सो समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है। इसी तरीके से पूरी फिजिक्स जो है ना, पूरी की पूरी फिजिक्स नहीं होता यार, पूरी की पूरी फिजिक्स होता है, उसके सारे न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।